Assalamualaikum दोस्तों, आज जो हम रेसिपी ट्राई करने वाले हैं वो है कोयला कढ़ाई। और इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी वो आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। इसके लिए मैंने ली है 1.5 किलो चिकन, इसको हमने छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट लिया हुआ है। और इसके बाद हमें चाहिए होंगी 3 अदद बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, हरी मिर्च ग्राइंड की हुई, और उसके अलावा हमें चाहिए होगा लहसुन का पेस्ट, वो भी हमने ग्राइंड कर लिया इसके अंदर। टमाटर हमें चाहिए होगा 1 अदद, हसबे ज़रूरत भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे कम टमाटर पसंद है इसलिए मैंने 1 ही लिया है बड़े साइज़ का। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे प्याज 3 अदद बारीक कटे हुए, और हमें चाहिए होगा ऑयल, ये हमें चाहिए होगा हसबे ज़रूरत। इसके अलावा हमें चाहिए होगी अदरक बारीक कटी हुई, लंबाई में आप इसे काट लेंगे। फिर हमें चाहिए होगा नमक, काली मिर्च, गरम मसाला हसबे ज़रूरत। इसमें रेड चिली ऐड नहीं होगी क्योंकि उससे लाल रंग आ जाता है, तो कोयला कढ़ाई हमेशा वाइट कलर की बनती है। उसके अलावा हमें चाहिए होगा नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम, और हमने हसबे ज़रूरत इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है ग्रेवी की थिकनेस के लिए, और हमें कोयला चाहिए होगा जिसका हम एंड पे दम दे देंगे। हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करने वाले हैं, हम इसमें हसबे ज़रूरत ऑयल डाल लेंगे जितना हमें चाहिए होगा। और हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज, जब ये हल्की ब्राउन हो जाएगी फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अब दूसरे चूल्हे पे हमने चिकन रख दिया बॉयल होने के लिए, और इसमें मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर लूँगी। ये इसमें हमने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, और इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर देंगे। इससे इसकी स्मेल जल्दी जाती है। अब हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे हसबे ज़रूरत नमक। नमक हम चिकन में भी डाल चुके हैं इसलिए कम नहीं डालेंगे, बाद में चख के डालेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च, हमने इसमें अदरक भी शामिल कर लिया है। ये थोड़ा सा पक जाएगा तो हम इसको निकाल के अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। अब हमने मसाला इसमें डाल दिया है, ग्रेवी को जो अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है वापस ऑयल में ऐड करने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन बॉईल हो चुका है और इसका पानी भी तकरीबन ड्राई हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे ग्रेवी में। अब देख सकते हैं हमारा चिकन ट्रांसफ़र हो चुका है पतीले में। अब हम इसे 2 मिनट के लिए कुक करेंगे और फिर हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं इसे कुक होते हुए, अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे और उसे हम पकने देंगे 4 मिनट के लिए। कोयला कढ़ाई में शिमला मिर्च ऐड करना ज़रूरी नहीं है, मेरे घर वालों को शिमला मिर्च का टेस्ट बहुत पसंद है इस वजह से मैं इसमें ऐड करी हूँ। आप अगर चाहें तो इसे बेशक ना ऐड करें। अब इसे पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और शिमला मिर्च थोड़ी गल गई है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे जितनी हमने ग्रेवी बनानी है, ठीक है। मैं इसमें तकरीबन 2 ग्लास पानी ऐड करूँगी।
करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे। अब मैं आपको कॉर्नफ्लोर मिक्स करने का तरीका बताती हूँ। आप थोड़ा सा पानी डालेंगे एक प्लेट में और इसमें आप तकरीबन जितना आप थिकनेस चाहते हो उस हिसाब से अपने अंदाजे के मुताबिक कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तकरीबन 2 चम्मच डाल लें, ये काफ़ी होगा। अब हम इसको अच्छे से कर लेंगे बीट ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रह जाए। और दूसरी तरफ चूल्हे पे हमारी हांडी में पानी जो है वो उबाल आने तक का वेट करेंगे और उसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स कर देंगे। अब देख सकते हैं कि पानी में बॉयल आ चुका है, पानी उबलना शुरू हो गया है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे और इसकी थिकनेस चेक करते जाएंगे। जितनी थिकनेस हमें चाहिए हम उस हिसाब से इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। फाइनली हमारा सालन जो है उसकी ग्रेवी वगैरह रेडी हो चुकी है। एंड में हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे, फिर इसे 2 मिनट तक पकाएंगे और फिर इसे हम देंगे कोयले का दम। अब हम इसमें क्रीम ऐड करने लगे हैं। ये नेस्ले मिल्क पैक क्रीम है, इसको इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। देख सकते हैं कि हमारी कढ़ाई का कलर चेंज हो गया है और ये वाइट हो गया है और ये सारा कुछ इस क्रीम का ही कमाल है। हम इसे 2 मिनट तक मज़ीद कुक करेंगे और हम इसे कोयले का दम दे देंगे और हमारी कोयला कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई। कोयले का दम देने लगे हैं। और 5 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन खोल लेंगे। फाइनली हमने इसका दम खोल लिया है और इसकी बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।